हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10 मैथ प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। तो चलिए थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। पहले देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाने हैं। तो सबसे पहले एक रफ में त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। जनरली हम लोग बड़ी भुजा को नीचे लेते हैं, वो ज़्यादा सुविधा होती है। तो ये 7 सेंटीमीटर का एक रेखा यहाँ नीचे में खींच लेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे। चाप इस तरह से जो लिया जाता है नाप करके, 5 सेंटीमीटर आप स्केल में नाप करके यहाँ काट लेंगे। फिर 6 सेंटीमीटर का नाप यहाँ से आप काट लेंगे। इस तरह का एक त्रिभुज आपको प्राप्त होगा। अब कहता है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसके समरूप हो और उस त्रिभुज की भुजा इस दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं के 7/5 गुनी हो। देखिए, यहाँ पर 7/5 में आपको गौर करना है। 7/5 गुनी होने का मतलब, इसको भाग देके देखिए, 7 रुपया को यदि आप 5 बच्चों में बांटेंगे तो 1 रुपया से अधिक मिलेगा, मतलब 1 से अधिक हो रहा है। 1 से अधिक होने का मतलब वो त्रिभुज इसके बाहर में बनेगा, इससे बड़ा होगा वो त्रिभुज, छोटा नहीं होगा। मतलब बड़ा होगा तो बाहर में बनेगा, जाहिर सी बात है। चलिए एक स्केल ले लिए, इसमें हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखा काट लेते हैं। देखिए, 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का एक रेखा काट लिया। उसके बाद 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का 2 भुजा और बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ से माप लीजिए। देखिए, यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 कर देते हैं। उसके बाद क्या है, 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो फिर 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। चलिए, 6 सेंटीमीटर यहाँ हमने काट दिया। अब इसको मिला दीजिए। अब देखिए, मिलाइए जो आप, तो ये चीज़ आपको हमने ये बता दिया है कि चूंकि ये त्रिभुज बाहर में बनेगा, इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। थोड़ा सा अब ये इस भुजा को बढ़ा दीजिए, चूँकि बाद में आपको इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसको यहाँ से मिला दीजिए। इसका नाम ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखिए, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया रफ में, जिसकी भुजा इसकी भुजाओं से 7/5 गुनी हो, मतलब इससे बड़ी हो। तो इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं पहले ही। चलिए, आप क्या कीजिए, B पर एक न्यून कोण बना लीजिए बिना किसी नाप के। चलिए, एक न्यून कोण बना लेते हैं। अब देखिए, 7/5 है, यानी 7:5, यानी बड़ी संख्या 7 है। तो इसको आप 7 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। 7 बराबर भाग में कैसे आप इसको बांटेंगे, चलिए यहाँ हम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 भागों में बांट दिए। अब यहाँ क्या है, 7/5 है, तो 7/5 है तो 5वां भाग आप यहाँ ले लीजिए। चलिए, इसको लिख देते हैं हम B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। B5 से C को मिला दीजिए, चूँकि 7/5 है। चलिए, B5 से हम C को मिला देते हैं। अब जो अन्य त्रिभुज बनेगा, तो वो देखिए, हम बताएं कि यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा वो, यानी 7 से यहाँ पर आपको मिलाना है। इस तरह से मिलाना है, समांतर रेखा काटना है। तो समांतर रेखा काटने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोण, एक चाप लीजिए। चाप लेने के बाद इस कोण को आप माप लेंगे। चलिए, एक चाप हमने यहाँ पर ले लिया और उसी चाप के बराबर सेम यहाँ पर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर काट लिया। उसके बाद इसको नाप लेंगे इस तरीके से। देखिए, नाप लिए, इसको भी यहाँ पर नाप लिए। अब देखिए, यहाँ पर ये रेखा उसके समांतर हम काट लेंगे। चलिए, हो गया।
आप देखिए एक अन्य रेखा आपको यहाँ पर काटना है, देखिए इसके ये और सी के समांतर, तो फिर ये कोण आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस कोण को मापिए, एक चाप ले लिए और यहाँ पर भी उसी नाप का एक चाप ले लेंगे और इसको नाप लेंगे इस तरीके से, इसको भी नाप लिए और यहाँ पर मिला देंगे। चलिए ये है ना, तो इसको ये डैश कर देते हैं, ये बी, ये सी डैश कर देते हैं। अब आपका क्या बना, त्रिभुज ए बी सी इसके समरूप बना त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, यानी त्रिभुज ए बी सी के समरूप बना त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ये समरूप त्रिभुज आपका बन गया। अब भुजाओं को लीजिए, 7/5 है ना, ए डैश बी बाई ए बी, देखिए 7/5 है तो हम जो बड़ी भुजा है उसको पहले लेंगे, बराबर हो जाएगा बी सी डैश बाई बी सी, बराबर हो जाएगा ए डैश सी डैश बाई ए सी, ये बराबर हो जाएगा 7/5 के। अब जो रचना के चरण होता है उसको आप अपने से लिख सकते हैं कि भाई बी सी ये, लेकिन वो हमारे ख्याल से इतना ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी अगर है तो इतना ही है। इस रचना में आप एक चीज़ और भी ध्यान देंगे कि नीचे में जो ये त्रिभुज आपका बना, क्या त्रिभुज बना, त्रिभुज बी सी बी फाइव, ये यहाँ पर त्रिभुज बना, ये भी त्रिभुज त्रिभुज बी सी डैश बी सेवन के समरूप होगा। क्या आप इसको आप पेंसिल से ही बनाएंगे, कलम से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि कलम से बनाने का नियम नहीं है। वीडियो में साफ दिखाई पड़ने के लिए मैं कलम का उपयोग करता हूँ। और यदि आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है।